आज मैं आपको लेके आया हूँ BS3 गाड़ी अतुल कंपनी का, जिसका हेडलाइट नहीं जलता, हॉर्न नहीं बोलता है, और इसका चार्जिंग प्रॉब्लम है, और ये मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं लेता है। मैं सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करके मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं पीछे। ये रहा मेरा इंजन। इंजन के भी में लगता है अल्टरनेटर और मैग्नेट कॉइल। मैग्नेट कॉइल रहता है फ्लाईव्हील के अंदर, जिसका दो वायर निकल के आती है। अल्टरनेटर जिस चार्जिंग कॉइल कहते हैं। देखिए आप, मैग्नेट कॉइल और अल्टरनेटर के दोनों में आपस में तार जुड़ने के बाद ही करंट आप सप्लाई आगे होती है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेट कॉइल अल्टरनेटर में के दोनों तार को मैंने जोड़ दिया है। इसका कैप टूटा हुआ था, इसके कारण मैंने काट के जोड़ना पड़ा। ये है चार्जिंग कॉइल जो आप देख सकते हैं, किट वाला जो है। अब मैं चलता हूँ आगे बैटरी के पास। ये है मेरी बैटरी, एक तरफ प्लस होते हैं, एक तरफ माइनस होते हैं। यह मैंने बैटरी का देखे, एक प्लस में दो तार लगे हुए हैं और माइनस में एक तार लगे हुए हैं, जो बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ पे बॉडी से मैंने टाइट कर रखा है। आप लोग को भी अगर अर्थिंग का देने का जो दिक्कत हो तो आप वहाँ पर दे सकते हैं, या कहीं भी दे सकते हैं अर्थिंग हो। और अब मैं बताने वाला हूँ कि प्लस वाले में दो वायर क्यों है। प्लस वाले में दो वायर इसीलिए है कि एक वायर आपको चला जाता है सेल्फ में, और एक वायर चला जाता है आपको मैग्नेट कॉइल अल्टरनेटर के दोनों से कनेक्टेड होके आपको चार्जिंग वहाँ से लाता है बैटरी में। इसके कारण एक वायर होते हैं जो पीछे जाते हैं और पीछे से आते हैं। इसका वायर टूटा हुआ था, इसके कारण मैंने दूसरा वायर जोड़ा। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं है, जिसके कारण आपस में करंट नहीं आ रहा था। अब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको देखा बताता हूँ कि अगर आप आसानी से आप अपने गाड़ी का चार्जिंग कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी चार्जिंग दे रही है कि नहीं दे रही। देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी स्टार्ट होने जा रही है रस्सी से, और ये मेरी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए प्लस और माइनस दोनों को सटाने का चिंगारी मारती है, और ये चिंगारी मारना एक ऐसा तरीका है जो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बैटरी चार्जिंग ले रही है। अब इसके बाद हमको पता चल गया मेरी गाड़ी चार्जिंग ले रही है। इसके के बाद मैं अपने दोनों पोल को टाइट कर लूँगा अच्छे से। उसके बाद मैं अपने जाके मीटर में देखूँगा तो मेरे मीटर में कोई बल्ब नहीं जल रहा है। अगर कोई बल्ब जल रहा है तो इसका कारण ये होता है कि आपका फ्यूज़ बुरा होगा, ठीक है। इसके कारण अपने फ्यूज को चेक करें, और आप देख सकते हैं मेरा हेडलाइट भी जल रहा है। और ये आपको अब ये हेडलाइट का हो गया, ये बैटरी का हो गया, ये मोबिल इंडिकेटर, ये मोबिल का हो गया। और आप इसी तरह से लाइट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्यूज कौन सा फ्यूज ख़राब रहने से आपका बैटरी वाला बल्ब जलेगा। और कभी भी गाड़ी स्टार्ट, देखिए अभी बैटरी वाला बल्ब जल रहा है, मैंने फ्यूज निकाल लिया, बैटरी वाला बल्ब जला। देखिए ये फ्यूज मैं लगाऊंगा, उसके बाद बैटरी वाला बल्ब बंद हो जाएगा। किसी तरह का कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आने के कारण ही बैटरी का बल्ब जलता है। और देखिए गाड़ी स्टार्ट में आपको